दोस्तों मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको मेरे सारे वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। दोस्तों अगर आप आपके फ्रेंड के व्हाट्सअप का मैसेज पढ़ना चाहते हैं तो कैसे वो पढ़ सकते हैं, तो दोस्तों उसके लिए आप पूरा वीडियो देखते रहिए। दोस्तों ये कोई हैकिंग वैकिंग ट्रिक नहीं है, ऐसा एक ऑप्शन व्हाट्सअप के अंडर अवेलेबल है, तो मैं आपको ये वीडियो बनाने के बाद बता रहा हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले आप आपके पीसी के ब्राउज़र में भी जा सकते हैं, आपके फ़ोन के किसी भी ब्राउज़र में भी चले जाइए। अगर आप आपके फ़ोन के ब्राउज़र में ओपन कर रहे हैं तो उसको डेस्कटॉप साइप कर लीजिए। उसके लिए आपको एक वेबसाइट खोलना है, web.whatsapp.com। और जैसे ही आप वेबसाइट को ओपन कर लेंगे उसके बाद आपको एक QR कोड शो करेगा, और उसके बाद आपको मैं बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप आपको क्या करना है। जैसे ही यहाँ पे आप कोड को शो हो जाएगा उसके बाद आप अपना फ्रेंड का फ़ोन ले लीजिए और उसके अंडर व्हाट्सएप में चले जाना होगा। तो पहले यहाँ पे कोड शो कर लेने देते हैं, उसके बाद हम अपने फ्रेंड का जो भी जिसका भी आप मैसेज पढ़ना चाहते हैं उसका फ़ोन लेके उसका व्हाट्सएप हम ओपन करते हैं और उसके बाद का स्टेप मैं आपको बताऊंगा। तो अब आप आपके फ्रेंड का फ़ोन ले लीजिए, उसका जो व्हाट्सएप आप ओपन कर लीजिए और यहाँ पे आपको शो करा है राइट साइड में टॉप में 3 डॉट दिख रहे होंगे, उस पर चले जाइए और तीसरा ऑप्शन है व्हाट्सएप वेब, उस पर आप चले जाइए और जो आपके पीसी फ़ोन में जो भी QR कोड होगा उसे स्कैन कर लीजिए। और जैसे ही स्कैन करेंगे आपके फ्रेंड के जो सारे मैसेज है आपके पीसी व्हाट्सएप के ब्राउज़र में यहाँ पे शो करेंगे। यहाँ पे आप देख लीजिए मैंने मेरे फ्रेंड का QR कोड स्कैन कर लिया, तो यहाँ पे उसका जो पी कन्वर्जन है सारे यहाँ पे आ गए, यहाँ पे आप देख सकते हैं। दोस्तों ये कोई हैकिंग वैकिंग नहीं है, पहले ही मैं आपको बता चुका हूँ ये कोई हैकिंग नहीं है, ऐसा एक ऑप्शन व्हाट्सएप के अंडर अवेलेबल है, तो ही मैंने ये वीडियो आपके सामने बना के आपको मैं दिखा रहा हूँ। यहाँ से आप किसी भी फ्रेंड को उसके फ्रेंड को मैसेज भी कर सकते हैं। और लास्ट में दोस्तों आप उसे लॉग आउट करना मत भूलिए, लॉग आउट कर दीजिए, हमें उसका कोई भी फ़ायदा नहीं उठाना है, कोई भी क्राइम ऐसा करना नहीं है कि हम किसी भी सगंज में हम फंस जाए। जस्ट फॉर ये ऑप्शन है तो मैं आपके लिए वीडियो बना के आपके सामने शो कर रहा हूँ। और लॉगआउट कहाँ से करते हैं, तो यहाँ 3 डॉट आपको दिख रहे हैं और लास्ट में आपको लॉगआउट का ऑप्शन मिल जाएगा और यहाँ से आप लॉगआउट कर लीजिए, उसके बाद आपके आप उसका मैसेज शो नहीं होगा। उम्मीद है दोस्तों आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, तो दोस्तों मेरा वीडियो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करना ना भूलिए। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।